नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नामांकन को कैंसिल करने के लिए बीजेपी के श्री कृष्ण पाल ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया। दरअसल श्री कृष्ण पाल का कहना है कि अखिलेश यादव द्वारा जो शपथ पत्र में दाखिल किया गया जानकारियां हैं, उनमें से कुछ गलत जानकारी है। देखिए रामशकल यादव की इस रिपोर्ट में। मुलायम सिंह की विरासत संभालने के लिए आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद और अपनी पत्नी डिंपल की संपत्ति से जुड़ा एक राज छिपाकर अपना शपथ पत्र दाखिल किया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कृष्ण पाल ने जिलाधिकारी न्यायालय में एक आपत्ति दाखिल कर अखिलेश यादव को नोटिस जारी करने और उनके नामांकन रद्द किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट से नामांकन के दौरान शपथ में वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपनी कुल दर्शित आय 84,83,063 रुपये तथा अपनी पत्नी डिंपल यादव की दर्शित आय 61,45,073 रुपये बताई थी। अखिलेश यादव के ऊपर बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य मिलाकर के 14,26,500 तथा उनकी पत्नी पर 14,26,500 का कर्ज है। लेकिन भाजपा नेता श्री कृष्ण पाल के मुताबिक इस शपथ पत्र में अखिलेश यादव ने अपनी संपत्ति को लेकर के झूठ बोला है। उन्होंने दाखिल आपत्ति में कहा है कि अखिलेश यादव वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन में पेज संख्या 7 पर शाकिन मुचारा सफई इटावा क्रय की गई भूमि रकबा 17.93 एकड़ का मूल्य 14,96,561 रुपये दर्शाया है। जबकि विधान परिषद चुनाव में 2012 में अखिलेश यादव द्वारा उक्त भूमि का मूल्य 17,53,997 रुपये दिखाया गया। यही नहीं, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उक्त भूमि की कीमत 17,53,997 रुपये दर्शाया था। लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन के पेज संख्या 8 पर उसी भूमि की कीमत 14,96,541 दर्शाई गई है। श्री कृष्ण पाल ने कहा कि यह जानबूझकर की गई गलती है और कारण कि यह एक इत्तफाक एक जगह हो सकता है, दो दो जगह नहीं। जमीन की वैल्यू बदलती है, सही मामलों में उसकी कीमत बढ़नी चाहिए, जबकि इसे घटा करके दिखाया गया है। हमने आपत्ति दाखिल किया है। माननीय अखिलेश जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उसमें शपथ पत्र भी दिया है और शपथ पत्र के द्वारा अपनी कुल संपत्ति उन्होंने बताया कि उनके पास मुचारा सैफई इटावा में कुल क्रय की गई जमीन 17.93 एकड़ की है, जिसका मूल्यांकन उन्होंने 14,96,541 रुपये बताया है। जबकि विधान परिषद चुनाव में 2012 में इसी जमीन का मूल्यांकन उन्होंने शपथ पत्र के द्वारा 17,53,997 रुपये बताया है। उसी जमीन का मूल्य 7 साल में 3 लाख से ज़्यादा कम हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सबके ज़मीन के दाम बढ़ते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश जी के ज़मीन के दाम कम हो गए, ये समझ से परे है। उन्होंने गलत एफिडेविट दाखिल किया है और गलत एफिडेविट दाखिल करना, तथ्य को छुपाना, ये आपराधिक कृत्य है और इसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और उनका पर्चा निरस्त होना चाहिए। कैसे आप लोग को ये पता चला कि उन्होंने ये फ्रॉड किया है, क्या कैसे किस? ये उन्होंने जो नॉमिनेशन दाखिल किया था विधान परिषद, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। जो उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में अपना शपथ पत्र दिया था नामांकन के समय, उसको देखने से और वर्तमान समय के नामांकन में जो शपथ पत्र दिया उसको देखने से यह चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है और सब कुछ ऑनलाइन है। ये सार्वजनिक संपत्ति है, कोई भी देख सकता है।